नमस्कार दोस्त, रिवाइंड टेक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कोजेंट का आरडी सेटअप इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसका सेटिंग कैसे करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम जिस कोजेंट का आरडी सेटअप की बात कर रहे हैं, इसे इंस्टॉल करने के बाद कोई दूसरा सॉफ्टवेयर, कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही कोई इसकी सेटिंग करने की ज़रूरत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक रियो रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रियो रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जी, हम कोजेंट का आरडी सेटअप का बात कर रहे हैं। इसे इंस्टॉल करने से पहले हमें अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से जो भी है उससे कोजेंट का जो भी डिवाइस है, बायोमेट्रिक डिवाइस है कोजेंट का, उसको हमें निकाल देना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से बायोमेट्रिक डिवाइस निकाल देना होता है। अगर आप नहीं भी निकालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, पर अगर आप निकाल देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, कम प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो दूसरी बात है, अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में जो भी कोजेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर मतलब इंस्टॉल होता है उसे अनइंस्टॉल करना होता है। और SBI का जो भी मतलब SBI क्लाइंट जो भी वो सॉफ्टवेयर होता है उसको भी रिमूव करना होता है, जावा को भी रिमूव करना होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप नहीं भी रिमूव करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है, पर अगर आप अनइंस्टॉल कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है, कम प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका कंप्यूटर फॉर्मेट है तो फ्रेंड्स आपको कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई सॉफ्टवेयर होगा ही नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपका कंप्यूटर फॉर्मेट नहीं है, आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में पहले से सॉफ्टवेयर पड़े हैं तो उसको फ्रेंड्स हटाने पड़ते हैं। अगर फॉर्मेट है तो बेटर है, नहीं फॉर्मेट है तो इस जो जो सॉफ्टवेयर को मैं बता रहा हूँ उसको अनइंस्टॉल करना होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर Java 6 या Java 7 आता है, उसको जो कि अनइंस्टॉल करना होता है। हमारे कंप्यूटर में यहाँ पर Java 8 है। ठीक है फ्रेंड्स, एक किसी और काम के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर Java 6 या 7 है तो उसको आप अनइंस्टॉल कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा जो सॉफ्टवेयर आता है, थोड़ा सा नीचे आएंगे हम, उसके बाद यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 2010 आया है, 2008 है, यहाँ पर 2005 होगा फ्रेंड्स। 2005 अगर होगा तो उसको आप अनइंस्टॉल कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे कंप्यूटर में 2005 नहीं है, 2008 है, 2010 है, आप 2010 को भी हटा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर अगर आपके सिस्टम में पहले से RD का कोई सेटअप पड़ा हुआ है तो आप उसको भी हटा दें। जैसे कि यहाँ पर PBRT सर्विस यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी हम यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कि एक कोजेंट का RD सेटअप है पहले से पड़ा हुआ है, इसको हम हटा देंगे। अगर आपका कंप्यूटर फॉर्मेट है फ्रेंड्स तो आपको कोई सॉफ्टवेयर हटाने की जरूरत ही नहीं होगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, क्योंकि कोई एक सेटिंग आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, हम जब इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो आपको मतलब प्रॉपर इस वीडियो को देखना पड़ेगा। और जो यहाँ पर पी से आता है CSD 200 जो यानी बायोमेट्रिक आपका डिवाइस होता है कोजेंट का, इसको भी अनइंस्टॉल करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पर SBI क्लाइंट आता है जो कि उसको भी हमें अनइंस्टॉल करना होता है। यहाँ पर SBI BMA क्लाइंट है, इसको भी अनइंस्टॉल यहाँ से कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी अनइंस्टॉल हो रहा है, ये भी अनइंस्टॉल हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो RD का सेटअप है इसको हम रन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसको ओपन कर रहे हैं, आप देख लीजिए फ्रेंड्स। अगर आप फ्रेंड्स आपका जिप फाइल में है तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर दें, राइट क्लिक करके जब आप एक्सट्रैक्ट हेयर पर करेंगे क्लिक तो आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आप इसको ओपन कर लें और यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इस सॉफ्टवेयर को आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आप देखिएगा तो वहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसको रन करते हैं। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर है इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर यस कर देंगे हम। इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है फ्रेंड्स प्रेस एनी के टू कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के लिए हमें एनी की है यानी अपने कीबोर्ड से कोई भी एक की को प्रेस करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर किसी की को मैंने प्रेस कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर डिलीट क्या करना है कि फ्रेंड्स, यहाँ पर डिलीट है पर्सनल सेटिंग को हम डिलीट कर देंगे, रिसेट कर देंगे। यहाँ पर रिसेट पर मैंने क्लिक किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रहे आप कोई गलती ना करें। उसके बाद हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस हम आपको बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है
इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर डिलीटिंग हिस्ट्री हो रहा है, हम वेट कर लेते हैं कुछ देर जब तक ये डिलीट हो जाता है। अब हमारे जो हिस्ट्री है कंप्लीट डिलीट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद यहाँ पर इंस्टॉलिंग जावा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर अब इंस्टॉल जावा हो रहा है, इस यहाँ पर हम कर देंगे चेंज डेजिनेशन फोल्डर पे क्लिक कर देंगे, अगर नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, यहाँ पर हम डायरेक्ट इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, अब ये जावा क्या है कि इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉलिंग जावा, तब हम कुछ देर वेट कर लेंगे जब तक ये जावा इंस्टॉल हो रहा है। इस आरडी सेटअप को रन करने के बाद यानी जो भी रिक्वायरमेंट होता है एसबीआई क्यूस बैंकिंग के लिए सॉफ्टवेयर, ये सारे ऑटोमेटिक इंस्टॉल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। हमें सिर्फ स्टेप को फॉलो करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जावा इंस्टॉल हो चुका है, अब हमें यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे जावा को, ठीक है फ्रेंड्स। यानी हमारा जावा जो है कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर अब नेक्स्ट प्रोसेस होगा, यहाँ पर अब आ गया फ्रेंड्स कि KYC सर्टिफिकेट आप यहाँ पे कॉपी हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम इंस्टॉल सर्टिफिकेट कर देंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश ओके, और इसको भी ओके कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इसको भी इंस्टॉल करेंगे, हम नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश कर देंगे, आप ओके कर देंगे, इसको भी ओके कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बोल रहा है प्रेस एनी के टू कंटिन्यू, उस टू कंटिन्यू। अब यहाँ पे हमें अपने कीबोर्ड से कोई एक की को प्रेस कर देंगे तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट ले रहा है, तो हमारा विंडोज 8.1 है तो इसलिए यहाँ पर डॉट नेट जो है ऑलरेडी, मतलब जो 8.1 होता है 10 होता है उसमें डॉट नेट 4 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, पहले से ही होता है। अगर आपका विंडोज 7 है सर्विस पैक 1 है तो उसमें ये डॉट नेट इंस्टॉल होगा, क्योंकि 7 में डॉट नेट 4 जो वर्जन होता है वो नहीं आता है, तो इसलिए 7 में डॉट नेट इंस्टॉल होगा, ठीक है फ्रेंड्स, 7 सर्विस पैक 1 में। अब यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फिर से हम प्रेस एनी के टू कंटिन्यू कर देंगे, अपने कीबोर्ड से कोई एक की को प्रेस कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर SBI का SBI क्लाइंट अब यहाँ पे इंस्टॉल होगा, नेक्स्ट कर देंगे, आई एग्री इंस्टॉल, अब इंस्टॉल हो रहा है फ्रेंड्स। अब कुछ देर वेट कर लेते हैं, अब यहाँ पर इसको हम नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है तो अब इसको हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू विश टू रिबूट द सिस्टम, हमें रिबूट नहीं करना है, हम यहाँ पे नो करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अगर हम रिबूट करेंगे तो हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा और ये सेटअप भी बंद हो जाएगा, यानी इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, तो इसको हम नो कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पर नो कर दिया, ध्यान रहे आप भी नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर RD सेटअप अब इंस्टॉल होगा, अब इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब वेलकम टू यहाँ पे RD आ गया है, इसको भी नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे आई एग्री कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे, यहाँ पर इसको ओके कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है तो इसको हम क्लोज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे अब ये इंस्टॉल हो रहा है, अब यहाँ पे इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। अब ड्राइवर ले रहा है कोजेंट का, अब इसको भी हम फिनिश कर देंगे, अब अपना ये इंस्टॉल हो रहा है। तो फ्रेंड्स हम कुछ देर वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है। इसको फ्रेंड्स हम यस कर देंगे, यहाँ से यहाँ पे भी इसको भी यस करेंगे,
ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉल, सेटअप वाज कंप्लीट सक्सेसफुली। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्लोज कर देंगे हम इसको। यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू, मतलब जो है रिबूट करने के लिए, हमें रिबूट नहीं करना है सिस्टम को, हम यहाँ से नो कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे प्रेस एनी के कर देंगे। अब फ्रेंड्स आप अपना इस सिस्टम को, मतलब बायोमेट्रिक मशीन को, जो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट जो है क्वेजेंट का, अब अपने मतलब कंप्यूटर जो लैपटॉप है उसमें आप अपना बायोमेट्रिक मशीन को लगा दें, और अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करना चाहते हो तो रीस्टार्ट कर दें, एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं तो सही है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद आप अपना SBI का जो सॉफ्टवेयर है, SBI का जो भी है, यहाँ पर एक आइकन बन के आ जाता है स्टार्ट इन SBI फाइनेंशियल। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ओपन करके आप अपना SBI का साइट को लॉगिन कर सकते हैं और इसका RD सर्विस यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक रियो रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रियो रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।